अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। सो जनाब, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ या जो भी लाइव सेशन चल रहा होता है उसमें लाइटिंग और सारा कुछ कैसे मैनेज होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाइट्स का क्या करते हैं आप, लाइटनिंग नहीं लाइट्स का। सो लाइट्स का क्या करते हैं आप, और मतलब इतनी एक्यूरेट और अच्छी लाइट आ रही होती है और ये वो सब कुछ, ठीक है जी। बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है अभी मेरे पास, हालांकि है नो डाउट मेरे पास सॉफ्ट बॉक्सेस भी हैं, मेरे पास रिंग लाइट बड़ी वाली भी है। वो सब अलग है क्योंकि वो मैं स्टूडियो में यूज़ करती हूँ। अपने घर पर मैं क्या करती हूँ, जब मोस्टली आप लोग देखते हैं कि घर पर मैं इंस्टाग्राम की वीडियोज़ अपलोड कर रही होती हूँ, उसमें मैं क्या कर रही होती हूँ, उसमें मैं ज़्यादा कुछ सामने सेटअप नहीं कर रही होती हूँ। मैं सिंपल अपनी वैनिटी के सामने बैठ के वीडियोज रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और उसमें मैं बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो यूज़ नहीं कर रही होती हूँ। बट मैंने बहुत क्लोज रखी होती है डेफिनेटली लाइट, जिसकी वजह से वीडियो बहुत क्लियर आती है। सेकेंड चीज़, आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए, जिसका कैमरा क्लियर होना चाहिए, जिसमें जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका सब कुछ अच्छा नजर आए। सो आई हैव दिस आईफोन एक्स मैक्स प्रो 10, आईफोन 10, ठीक है जी। और इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत पसंद है मुझे, सो इससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। आई ऑल्सो हैव कैमरा DSLR, बट उसमें रिकॉर्डिंग का मुझे मजा नहीं आता। आई डोंट नो, शायद मैं अभी तक उसकी यूज टू नहीं हुई हूँ इसलिए। खैर एनीवेज, वो ड्रेस है जो कि आज लाइव सेशन में मैंने पहनना है और लाइव सेशन होने वाला है इंस्टाग्राम पे। उसके हिसाब से लाइटनिंग क्या की है मैंने, लाइट्स का क्या किया है, क्या है लाइट्स का मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है एंड क्या सेटअप होता है। तो कैमरा टर्न करते हैं और देखते हैं कि क्या किया है मैंने। अच्छा जी, ये मेरी वैनिटी है, सामने आपको नजर आ रहा होगा। मेरे मिरर पे जो है वो ये बल्ब्स जो हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं वैसे भी मेकअप कर रही हूँ तो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, और ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। सो इस तरह से दूसरी मैंने ये स्मॉल रिंग लाइट है, ये मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे हमेशा ही, क्योंकि इससे एक तो पिक्चर बड़ी क्लियर आती है हाय, और वीडियो बहुत अच्छी बनती है, मतलब बहुत क्लोज हो जाता है। और साथ ही मैंने टेबल पे अपने स्टैंड रखा होता है इस तरह से सामने, और इस तरह से मेरी जो लाइट है वो डायरेक्टली फेस पे पड़ रही होती है। अब आपको मैं सामने से भी दिखाती हूँ। दूसरा ये, मैं इसको वार्म पे नहीं रखती, कूल पे भी नहीं रखती। ये इसका कुछ इस तरह से सीन है, हम देखते हैं ऑफ, ये ऑफ हो गई है, देन ये ऑन है, ये डाउन है, अप है, और ये इसके मूड्स हैं, इसमें वार्म है, नॉर्मल है, कूल है। सो मैं इसको नॉर्मल पे रखूंगी। इसी तरह मैंने इनकी लाइट भी नॉर्मल पे रखी हुई है, मतलब मिक्स है ये, डे लाइट कहलाई जाती है, ठीक है जी। इसकी मैं अब आपको लाइट दिखाती हूँ सामने से अपने फेस पे डाल के। सो जनाब, ये मेरे सामने मेरे मतलब फेस पे लाइट पड़ रही है। मैं इसको थोड़ा सा बैक पे करती हूँ आई चेयर को, और आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे फेस पे कितनी अच्छी लाइट पड़ रही है। अगर इससे भी क्लोज मुझे जब चाहिए होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के बनाऊँ और मैं अपना जो कैमरा है उसको सामने अपने मिरर के साथ टिका देती हूँ एंड लाइट को नीचे के रख देती हूँ, तो वो डायरेक्टली लाइट उस तरह से भी मेरे फेस पे पड़ती है। मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। सो लाइटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी वीडियो बनाते हैं उसके लिए लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास लाइट का सेटअप नहीं है तो इतना लाइट का सेटअप ये अभी नहीं है कि जिसके लिए मतलब आपके पास ना हो। ये आप एक रिंग लाइट अच्छी वाली भी बड़ी वाली भी ले लेते हैं तो उसमें भी लाइट काफी अच्छी हो जाती है। आप सॉफ्ट बॉक्सेस भी ले सकते हैं उसके साथ, उसमें भी लाइट का बहुत अच्छा मजेदार सा इफेक्ट आता है। मैंने वो भी यूज़ की मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो पे बहुत सारी, और उसका रिजल्ट भी बहुत मजे का आता है क्योंकि मेरा स्टूडियो अलग है और घर पे मैं अलग होती हूँ। तो कभी मैं घर पे बैठ के रात को बना लेती हूँ, और यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि सॉफ्ट बॉक्सेस रखे जा सकें। वो मैं नॉर्मली अगर करूँगी तो मैं अपने दूसरे रूम में चल जाती हूँ और वहाँ जाके ये सारा सेटअप करके और फिर करते हैं, बट मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैं वो ऑफिस अपने स्टूडियो में ही यूज़ करती हूँ, वहाँ इजी है। यहाँ पे मैं ये रिंग लाइट यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ बड़ी वाली रिंग लाइट यूज़ कर लेती हूँ, वो मेरी ट्रैवल करती है साथ। अगर मुझे यहाँ चाहिए तो मैं ले आती हूँ, अगर मुझे वहाँ पर ही चाहिए तो फिर मैं नहीं लेके आती। ये भी मेरे लिए इनफ है, काफ़ी है। सो इसको और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन डेफिनेटली YouTube की वीडियो के लिए आपको प्रॉपर अपना मोबाइल का जो
एंगल है वो ठीक रखना पड़ता है। इंस्टा पे तो वैसे भी नॉर्मल चलता है, बट यूट्यूब के लिए जाहिर है मोबाइल का एंगल ठीक रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बैठ के जो बनाती हूँ उसमें और भी ज़्यादा लाइट अच्छी आती है। सेकेंड चीज़, फ़ोन अच्छा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन का कैमरा अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, वीडियो तभी क्लियर आएगी। और वीडियो पे एडिटिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी किसी भी चीज़ की एडिटिंग की, कोई भी वीडियो की एडिटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके सामने होता है इसी फेस के साथ विदाउट एनी फिल्टर, ये सामने आपके मेकअप होने के बाद जो होता है वो भी आप लोगों के सामने है, तो मुझे कोई ज़रूरत ऐसे पड़ती ही नहीं एडिटिंग करने की। बस मैं क्लिप्स को एडिट करते हुए जोड़ती हूँ, कहाँ से कट करना है, कहाँ से डालना है, कहाँ वॉइस ओवर करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ म्यूजिक डालना है, बस वो चीज़ होती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी वैनिटी पे जब लाइट और ज़्यादा क्लोज करती हूँ तो वो फिर कैसे करती हूँ। तो इसको मैंने नीचे उतार दिया है इस तरह से अपने बिल्कुल सामने, और आप देख सकते हैं पहले मैंने उसे हैंग किया हुआ था, यहाँ पर मैंने ये क्या कहते हैं स्टिक किया हुआ है ताकि यहाँ पे रिंग लाइट आराम से खड़ी हो जाए अपने मिरर पे, और यहाँ सामने मैंने अब इसको उतार दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइट और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो मैं इसको सामने से मतलब यहाँ नीचे रख के कैमरा जो है वो अपना यहाँ पे सेट करूँगी इस जगह पे, ताकि लाइट जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे फेस पे को कवर करे और वीडियो और क्लियर हो। मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। ओके, सो ये कुछ इस तरह से हो गया है, और इसमें ये होता है कि समटाइम आपको नीचे कोई चीज़ रखनी पड़ जाती है क्योंकि आपकी वीडियो की सेटिंग नहीं हो रही होती है और बीच में लाइट भी आ रही है, तो लाइक दिस। अब मैं इसको हटा लूँगी और बाकी की एडिटिंग के बीच में, क्योंकि मैं वहाँ पे वो डोर नहीं दिखाना चाहती तो वो मैं जब एडिटिंग करूँगी तो उसको थोड़ा सा कट कर देंगे और हमारा जो व्यू है वो क्लोज भी हो जाएगा और साइड की चीज़ें भी कट जाएंगी। ठीक है जी, वो सिर्फ एडिटिंग में कट हो जाता है एंड दैट्स इट। इसके अलावा लाइट के लिए मैं मज़ीद कुछ भी नहीं करती, मज़ीद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बीच में हो। अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा मतलब थोड़ा सा आप दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट देना चाहते हैं, उसका भी बता देती हूँ मैं आपको। आप सिंपल ये कर सकते हैं, मिरर ले लें और मिरर को रखें अपनी लाइट के सेंगल पे कि लाइट जो है वो उस पर पड़े। ठीक है, इस तरह से अब मैंने इसको इस तरह से रखा है, अब मेरी लाइट जो है वो मेरे मिरर पे पड़ रही है और रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आ रहा है, तो इस तरीके से मेरे फेस पे एक मज़ेदार सा ग्लो आ रहा है और दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको किसी ग्लो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समटाइम आपको मेकअप के बीच में होता है, ऐसे भी होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा आपकी स्किन का और बहुत ही रफ चल रही है, ड्राई स्किन के साथ ही इश्यूज होते रहते हैं, एक्नी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि आप थोड़ा सा इफेक्ट ये वाला दे सकते हो। बट वैसे आपका कैमरा अच्छा चल रहा हो तो ये भी जरूरत नहीं है, आपका मेकअप अच्छा हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये दे सकते हैं कि ये इस तरह का स्टाइल जो है वो फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, मतलब ये टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आए, तो आप इस तरह का वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोज़ में भी ऐसे ही करते हैं, मेकअप वीडियोज़ में स्पेशली ऐसे ही करते हैं, सो उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का बहुत अच्छा लगता है वो। सो आई होप कि आज की वीडियो ईजी और समझ आ गई होगी आप लोगों को कि लाइटनिंग मैं कैसे मतलब अपनी लाइट्स को कैसे सेट करती हूँ, क्या करती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई लाइट नहीं है, हाँ अलबत्ता कैमरे का बहुत अच्छा रिजल्ट है तो ये भी एक वजह बनती है। आप लोग भी कैमरा अच्छा लें, उस हिसाब से आईफोन अच्छा है, हवावे के भी अच्छे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैं शुरू की सारी वीडियोज़ हैं वो फ़ोन पे बनाती आई हूँ और वो मेरे पास हवावे P20 लाइट था और उसका रिजल्ट मुझे आई गेस इससे भी ज़्यादा पसंद है। बहुत 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 अच्छा टाइम गुजरा मेरा उसके साथ, मेरे ख्याल से मैंने उसको 1.5-2 साल तो रखा ही था, सिर्फ इस वजह से कि उससे वीडियो जो बनती थी वो बहुत क्लियर और बहुत अच्छी बनती थी। एंड फिर वही मसला हो जाता है आपको पता फ़ोन का कि उस बैटरी ख़त्म होने लग जाती है और जल्दी एंड हो जाता है। सो उसके बाद से आईफोन है, आईफोन का रिजल्ट मुझे इसका भी बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, लाइट अच्छी कर लीजिए थोड़ी सी और क्लोज होके बैठिए, जब भी आप वीडियो बनाने लगे तो क्लोज होके बैठे। बहुत सारे लोग पीछे ये भी करेंगे कमेंट कि आप इतना बड़ा मुंह लेके कहाँ आ गए आगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे कंसर्न होता है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, हमें वो नजर आए, क्लियरली नजर आए, ब्लेंडिंग कैसी चल रही है, क्या चीज। बहुत दूर से बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो चीज आप दिखा रहे हैं वो नजर नहीं आएगी।
सो दिस इज इट एंड आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आ गई होगी. कोई भी क्वेश्चन हो नीचे जरूर पूछिएगा, जरूर बताइएगा इस तरह की वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं और छोटी मोटी टेक्निक्स और चीजें जो हैं वो भी. बाकी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी स्टूडियो में मैं कैसे लाइटनिंग करती हूँ और वहां पे कैसे लाइट का सेटअप है, क्या चीज है, सॉफ्ट बॉक्सेस कैसे यूज करते हैं और सब कुछ वहां पे. मैं मतलब वहां पे इससे ज्यादा लाइट है, वैसे ही स्टूडियो में ज्यादा लाइट होती है, बट उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा लाइट जब होती है तो तब भी वो मजा नहीं आता. तो वो वीडियो इंशाल्लाह फिर होगी. इस वीडियो पे आप अपना जरूर बताइएगा आपको इजी लगा, इस तरह का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं आप लोग भी आराम से वीडियो बनाने के लिए. अदरवाइज डे लाइट यूज करें, डे लाइट बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें सिंपल है कि हर चीज अच्छी नजर आ रही होती है. कैमरा बहुत अच्छा भी नहीं है तो तब भी हर चीज अच्छी रहती है. सो इतना आप सेटअप नहीं रख सकते तो डे लाइट इज दी बेस्ट थिंग, बेस्ट ऑप्शन. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.